सेंटर है, यहाँ पर बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, पर यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बच्चों के दिमाग में बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, मिक्स एंड मैच करते हैं। उनमें से एक केमिस्ट्री भी है जो इजीली समझ में तो नहीं आता पर जीवन में बहुत ही उपयोगी है। हमारी लाइफ में पानी से लेके हवा तक हर चीज केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो आइए हम मिलते हैं डॉक्टर अंशु शर्मा से, जो कि हमें बताएंगे कि केमिस्ट्री हमारी लाइफ में कैसे इजी है, कैसे टफ है, क्या इसको हम इजी बना सकते हैं और कैसे इसे याद करें। At first, good evening to all of you. First of all, I am Dr. Anshu Sharma and I have completed my PhD from the Singhania University in Delhi. And secondly, I have completed my MPhil from Gokul Kamli and I am also MSc, obviously, here also, okay? And first, मैं ये बताना चाहूँगी कि students की जो है just वो chemistry में phobia type का मानते हैं, क्योंकि मुझे भी हो गया, काफ़ी टाइम हो गया केमिस्ट्री पढ़ाते हुए एंड स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं एंड वो बोलते हैं कि मैम हमें केमिस्ट्री पढ़ाती क्यों है, क्यों क्यों क्यों, उनके अंदर एक ऐसा डर सा है लाइक कि रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो उसमें फर्स्ट तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि विदाउट केमिस्ट्री हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। 98 भी नहीं बोलूँगी, 100% आर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द केमिस्ट्री। लाइक अगर हम अपनी डेली रूटीन भी फॉलो करते हैं कि मॉर्निंग हम जब उठते हैं तो हम सबसे पहले अगर आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो उसमें भी केमिस्ट्री का सॉल्ट है। आप ब्रश यूज़ कर रहे हो तो इट्स टाइप ऑफ पॉलीमर, वो भी एक केमिस्ट्री है। आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो इट्स दी ग्लूकोज सुक्रोज फ्रक्टोज, वो भी केमिस्ट्री है। आप कपड़े पहन रहे हो वो भी केमिस्ट्री, इसी टाइप ऑफ पॉलीमर लाइक दी रेयॉन नायलॉन एंड एक्सेट्रा। उसके बाद आप आते हैं स्कूल बैग लेके के, वो भी केमिस्ट्री है। आपकी बुक है वो भी केमिस्ट्री है, आपका ब्लैक बोर्ड है वो भी केमिस्ट्री है, एवरीथिंग इज केमिस्ट्री। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि केमिस्ट्री से तो भाग तो नहीं सकते हम, भागना तो पॉसिबल नहीं है कि हम ये कहेंगे, क्यों क्योंकि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री पर डिपेंडेंट है। लेकिन हम इसको इजी बना सकते हैं। लाइक मैं स्टूडेंट्स को एक मैसेज ये कन्वे करना चाहती हूँ कि कभी किसी चीज़ को लर्न यानी जैसे रटो मत। लाइक अगर आपको केमिस्ट्री को समझना है तो यू ट्राई टू रिलेट इन योर ओरिजिनल लाइफ, कि अपनी ओरिजिनल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करो। जैसे मैम मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि केमिस्ट्री में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है मोल, मोल कंसेप्ट है, आई थिंक ये आपके नाइन्थ क्लास से आ जाता है। मैंने स्टूडेंट्स में ये नोटिस किया कि वो मोल की खूब डेफिनेशन लर्न करते हैं कि अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज प्रेजेंट इन टू दी वन ग्राम ऑफ सब्सटेंस एंड एक्सेट्रा। अगर मैं स्टूडेंट्स को ये मैसेज कन्वे करूँ तो मैं ये कहूँगी कि मोल को ऐसे ना पढ़कर आप ऐसे पढ़ो कि आप अगर मार्केट जाते हो तो आप अगर जैसे आपको बनानास परचेज करने हैं तो आप क्या बोलोगे कि आई नीड वन डजन बनाना, ठीक है। और अगर आपको एप्पल परचेस करने हैं तो आप ये तो नहीं कहोगे कि मुझे वन डजन एक दर्जन दो, आप ये बोलोगे कि मुझे एक केजी एप्पल चाहिए। क्यों, क्योंकि क्या हुआ हमारी यूनिट्स चेंज हो गई। तो वही मोल है, मोल को ऐसे लर्न मत करो कि डेफिनेशन, आप ये समझो कि मोल यूनिट है जो केमिस्ट्री को काउंट करती है। जैसे केजी है, मीटर है, लेंथ है, वैसे ही हमारा क्या है वो मोल है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी ओरिजिनल लाइफ से रिलेट करो कि एटम क्या है, सब्सटेंस क्या है, पार्टिकल्स क्या है, उसके ऊपर रूल्स कौन से कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि सारी चीज़ें बहुत ईजियर हो जाएंगी कंपैरेटिवली कि आप उसे रट रहे हैं कि इस साइंटिस्ट ने ये बोला, इस साइंटिस्ट ने ये बोला। तो केमिस्ट्री ना बनकर हिस्ट्री बन जाता है, ठीक है। तो उसमें एक आपको ये करना है कि ईजियर पार्ट्स देखिए उसका, ओरिजिनल लाइफ से रिलेट करिए, तो आई थिंक सब्जेक्ट काफ़ी क्या हो जाएगा आपका, ईजी हो जाएगा, ओके। तो मैम का कहना है कि रटो मत, समझो, क्योंकि समझने से ही सब कुछ सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप रटोगे ना तो बस रट्टू तोता ही बन के रह जाओगे। आइए मैम से जानते हैं कि हम केमिस्ट्री में अपना करियर कैसे बना सकते हैं और करियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। बेसिकली मैम अगर मैं केमिस्ट्री को मैंने वैसे शॉर्टकट ही आप बोलोगे, मैंने मतलब बोला कि विदाउट केमिस्ट्री हम क्या कर सकते हैं, सर्वाइवल नहीं है। अगर केमिस्ट्री को बेसिक डिवाइड करें जो अगर हम मार्केट में लेते हैं तो केमिस्ट्री की थ्री ब्रांचेस होती हैं,
एक आपकी ये थी ऑर्गेनिक, एक होती है आपकी फिजिकल और एक होती है आपकी इनऑर्गेनिक। उसके बाद आप रिसेंट स्टडीज पे जाते हो मैम, तो एक है आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री, नेक्स्ट होती है आपकी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। आप किसी भी ब्रांच को आप चूज करिए, किसी भी ब्रांच में अभी हम हमको पता है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं 119 एलिमेंट्स हैं। लास्ट एलिमेंट जो डिस्कवर हुआ वो फुलेरिस डिस्कवर हुआ। इवन स्टूडेंट्स को शायद नहीं भी पता होगा, मैं एक इसके आपके थ्रू, जैसे फुलेरिस क्या होता है, सुपर कंडक्टर होता है। इवन उस पर जो न्यू रिसर्च चल रही है उसमें ये कहते हैं कि अगर सुपर कंडक्टर को हम ट्रेन में यूज करते हैं तो इवन ट्रेन की स्पीड इतनी हो जाएगी जितनी विंड स्पीड है, इतना ये यूएस इस पर रिसर्च कर रहा है। तो हम ये कहते हैं कि हो सकता है कि हम में से कोई एक ऐसा निकल जाए जो एक नया एलिमेंट डिस्कवर कर दे इंडिया के लिए, नई वो लेकर आ जाए। सेकेंडरी हम कोई भी ब्रांच अडॉप्ट कर ले, चाहे वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, किसी भी ब्रांच के थ्रू आप रिसर्च में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, आप टेक्निकल में जा सकते हैं, बीटेक एमटेक कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे साथ अभी केमिस्ट्री में वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल इन द सेंस कि अगर अभी आप रुद्रपुर में भी आप देखते हो, तो आप यहाँ से किच्छा रोड पे जाते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारा वहाँ पे वेस्ट पड़ा है जो डिग्रेड नहीं हो रहा, जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा मतलब अगर आप केमिस्ट्री के थ्रू जाते हो तो कुछ ऐसा मतलब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आप अडॉप्ट कर सकते हो, कोई ऐसी रिसर्च कर सकते हैं कि ये जो वेस्ट है उससे हम कुछ एनर्जी प्रोड्यूस कर दें जिससे हमारे रुद्रपुर के लिए कुछ अच्छा हो जाए। कुछ ऐसा हो सकता है, हम इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं उससे बहुत सारे हम, क्योंकि रुद्रपुर हमारा क्या है, फार्मिंग रिच एरिया है, तो उसमें क्या होते हैं मैक्सिमम पेरेंट्स पीपल्स जितने भी हैं हम लोग क्या करते हैं कि हम पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं। जब यूज करते हैं तो उसके बहुत सारे, वो तो ठीक है कि हमारा फार्मिंग लैंड फर्टाइल हो रहा है, लेकिन उसके डिसएडवांटेज भी है ना। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है बहुत ज़्यादा, नाइट्रोजन रिलीज हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है। तो कुछ ऐसी रिसर्च हो सकती है कि कुछ हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना दें जो सस्ते भी हो जिससे पॉल्यूशन ना क्रिएट हो। इन शॉर्ट अगर हम कंक्लूड करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारा मतलब स्कोप है अगर आप एक सिंगल ब्रांच को अडॉप्ट करते हो। आप ऑर्गेनिक पे चले जाओ, इनऑर्गेनिक पे चले जाओ, फिजिकल चले जाओ, एनालिटिकल चले जाओ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर एनवायरमेंटल चले जाओ, तो उसमें काफ़ी सारे स्कोप्स हैं। आप टेक्निकल लाइंस में भी जा सकते हैं केमिस्ट्री को लेकर, बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं, एमएससी ऑनर्स कर सकते हैं, ऑब्वियसली बीएड करके टीचिंग लाइन में भी आ सकते हैं। तो ये सारे कुछ शॉर्टकट में स्कोप्स बता रही हूँ, अदरवाइज तो फार्मास्यूटिकल्स में भी केमिस्ट्री है आपकी, जितना भी फार्मेसी में भी लाइक बी फार्मा, एम फार्मा, सब में केमिस्ट्री का यूज है। तो मैम आप मतलब केमिस्ट्री बिना हमारी लाइफ अधूरी है, बिल्कुल मैम ये कह सकते हैं कि विदाउट लाइफ, विदाउट केमिस्ट्री हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इन शॉर्ट अगर आप बोलते हैं तो आप ये कहेंगे कि केमिस्ट्री के बिना तो लाइफ है ही। चाहे आप फीवर भी आपको होता है तो आप मेडिसिन लेते हो, मेडिसिन में भी आप सॉल्ट देखते हो, सॉल्ट का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, केमिस्ट्री से हुआ है। थोड़ा सा आपका रिएक्शन हो गया, आपको एलर्जी हो गई, एलर्जी हो गई, फिर एक नई प्रोसेस अकर हुई, तो विदाउट केमिस्ट्री तो पॉसिबल नहीं है। बट स्टूडेंट्स में एक डर निकाल रहे हैं केमिस्ट्री का, वो डर निकालने का यही कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स ओरिजिनली मतलब रिलेट करके चले, मतलब लाइफ से रिलेटेड माने, ये नहीं माने कि हमें जस्ट एक बुक पढ़नी है, बुक नहीं पढ़नी है, हमें कुछ करना है, ये चीज़ होनी चाहिए। तो मैम जाना आपने केमिस्ट्री भी बहुत ईजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, करियर अपॉर्चुनिटी भी केमिस्ट्री में बहुत ही है। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री वाले बस टीचर ही बनेंगे, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं और बड़ी कंपनियों के मालिक भी। तो आइए मैम से हम आगे भी मिलते रहेंगे, हमारा शो जब तक पढ़ोगे तब तक पढ़ोगे मैम, और मैम हमें बताएंगी केमिस्ट्री के और भी इंटरेस्टिंग सी क्वेश्चंस और इक्वेशंस जिनको लेकर हम अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा बना सकते हैं। एसटीएन टीवी न्यूज चैनल उत्तराखंड लेकर आएगा फिर से जब तक पढ़ोगे तब तक बढ़ोगे के नया एपिसोड।